कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सर्वप्रथम सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका उस समय की इतनी प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो भी कृतियां उसमें छपती थी वह बहुत ही साहित्यिक होती थी। लीजिए प्रस्तुत है कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को लहलाते हुए खेत को देख करके जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बड़ा बलवान था। बाबा भारती प्यार से उसे सुल्तान कहा करते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते थे और खुद खरहरा करते थे। बाबा भारती अपने घोड़े को इतना स्नेह करते थे कि उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में कुटिया बना करके रहा करते थे। उस क्षेत्र का एक कुख्यात डाकू था जिसका नाम खड्ग सिंह था। वह बहुत ही भयानक था, लोग उसका नाम सुनकर के कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति खड्ग सिंह के कानों तक पहुंची। सुल्तान को देखने के लिए उसका मन अधीर हो गया। एक दिन दोपहर का समय खड्ग सिंह बाबा भारती के कुटिया में आता है और नमस्कार करके बैठ जाता है। बाबा भारती कहते हैं, कहो कैसे आना हुआ? खड्ग सिंह, हा 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 हा, सुल्तान की चाह खींच लाए। बाबा भारती कहते हैं, बहुत विचित्र जानवर है, बहुत ही सुंदर है। खड्ग सिंह कहता है, मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहते हैं, वह दौड़ता भी बहुत अच्छा है। खड्ग सिंह कहता है, हा 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 हा, बाबा देखने की तो इच्छा बहुत दिन से थी, आज उसकी चाह मुझे यहां तक खींच लाई। इस तरह से बातचीत करते करते बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल पहुंचते हैं। बाबा भारती ने अपने घोड़े को दिखाया घमंड से। खड्ग सिंह कुछ देर तक देखा आश्चर्य से, और फिर बच्चों की तरह उसने कहा, बाबा इसकी चाल देखी तो क्या देखा, आखिर बाबा भारती तो मनुष्य ही थे, उन्हें भी अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए बहुत आनंद आता था। बाबा भारती ने सुल्तान को अस्तबल से बाहर निकला और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। खड्ग सिंह ने देखा, खड्ग सिंह उसकी चाल को इस तरह से देखा, आश्चर्यचकित रह गया और उसके हृदय पर सांप लौट गया। खड्ग सिंह डाकू था और खड्ग सिंह को जो वस्तु पसंद आ जाती थी वह उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जब सुल्तान वापस आया तो खड्ग सिंह ने कहा, बाबा अब मैं यह घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। इतना कहकर के खड्ग सिंह चला गया। बाबा भारती अब सुल्तान की रक्षा के लिए अहर्निश रात दिन अस्तबल के सामने एक लाठी लेकर के उसकी रक्षा में खड़े रहते थे। पूजा पाठ सब कुछ छोड़ करके केवल उन्हें एक चिंता रहती थी सुल्तान की। लेकिन कई मास व्यतीत हो गए, खड्ग सिंह नहीं आया। अब बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और सोचे कि पता नहीं खड्ग सिंह तो आया नहीं। और एक दिन सायंकाल का समय, संध्या का समय, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कगले की भी सुनते जाना। बाबा भारती जो आवाज सुनी उसमें करुणा थी। बाबा भारती ने अपने घोड़ा रोक दिया, देखा एक वृक्ष की छाया में एक अपाहिज बैठा हुआ है। बाबा भारती पहुंचते हैं, पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा
मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपाहिज हूँ। राम बाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। पाव भारती कहते हैं, वहाँ किससे मिलना है, किसके पास जाना है? दुर्गा दत्त वैश्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा बाबा मेरी सहायता करो, बाबा मुझे घोड़े पर बैठा करके वहाँ पहुँचा दो। भाव भारती के हृदय में करुणा का उद्गार हुआ, भाव भारती का हृदय द्रवित हो गया। बाबा एक महात्मा थे, बाबा घोड़े की पीठ से नीचे उतर जाते हैं और उस अपाहिज को घोड़े की पीठ पर बैठा लेते हैं और स्वयं घोड़े की लगाम को पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस तरह से जा रहे हैं, अपाहिज घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है, भाव भारती बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में घोड़े की लगाम पकड़े हुए जा रहे हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और देखते हैं कि वह अपाहिज घोड़े के पीठ पर बनकर इस तरह से बैठा है और घोड़े को दौड़ाए हुए लिए जा रहा है। बहुत वेग से घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। भाव भारती आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक पल के लिए ठहर जाते हैं और फिर कुछ निश्चय करके बोले, सोच करके विचार करके बोले, अरे भैया जरा ठहर जा, जरा ठहर जा भैया, थोड़ा सुन ले। खड्ग सिंह ने आवाज सुनी बाबा भारती की और घोड़े को रोक दिया। बाबा भारती पहुंचते हैं, खड्ग सिंह कहता है, घोड़े की पीठ पर हाथ सहलाते हुए खड्ग सिंह कहता है, बाबा अब मैं यह घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं खड्ग सिंह, अब मैं यह घोड़ा तुमसे वापस नहीं लूंगा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को अस्वीकार न करना। यदि खड्ग सिंह तुमने अस्वीकार कर दिया तो मेरा हृदय टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। खड्ग सिंह कहता है, बाबा मैं आपका दास हूं, आज्ञा करिए, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं, इस घोड़े का तो नाम भी न लो, यह घोड़ा तो मैं तुमसे वापस लूंगा ही नहीं। बाबा भारती उस घोड़े को इस तरह से देखते हैं जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और फिर खड्ग सिंह से बोलते हैं, खड्ग सिंह मुझ पर एक उपकार करो, मेरी एक प्रार्थना से अस्वीकार न करना। खड्ग सिंह इस घटना का वर्णन किसी दूसरे के सामने मत करना। खड्ग सिंह ने सुना और बहुत विचार किया, वह सोचा कि घोड़ा तो मैं चुरा करके ले जा रहा हूं छल कपट से, और इसमें बाबा को क्या डर है, बाबा क्यों कहते हैं घटना जिक्र करना। खड्ग सिंह ने बहुत माथा ठोका, सिर धुना, कुछ भी उसके समझ में नहीं आया। अंततः वह अपनी नजर बाबा के चेहरे पर गड़ा करके पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती कहते हैं, खड्ग सिंह यदि इस घटना का पता किसी दूसरे को चल जाएगा तो कभी भी लोग गरीबों पर अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। और इतना कहकर के बाबा भारती उस घोड़े की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कभी भी उनका कोई संबंध ही न रहा हो। लेकिन बाबा भारती के कहे हुए शब्द खड्ग सिंह के कानों में गूंजता रहा। खड्ग सिंह विचार करता रहा, आहा कितना पवित्र भाव, कैसे विचार श्रेष्ठ। यह सुल्तान जिसके बिना भाव भारती एक पल भी नहीं रह सकते थे, और जब से सुने कि मैं इसको ले जाऊंगा तो दिन रात सोए नहीं, इसकी सेवा में सदैव इसकी रक्षा में लगे रहते थे, और आज सुल्तान से मुंह मोड़ करके इस तरह से चले गए कि उनके मुंह में दुख की एक रेखा भी दिखाई न दी। आह भाव भारती को इसका डर नहीं था, भाव भारती को केवल एक ही विचार उनको सूझा कि इस घटना का पता दूसरों को लग जाएगा तो कोई भी गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा। बहुत श्रेष्ठ विचार है, बाबा मनुष्य नहीं, बाबा मनुष्य नहीं देवता है, बाबा देवता है। और इस तरह से अगले दिन रात्रि का समय, रात्रि का अंधकार, खड्ग सिंह सुल्तान की लगाम को पकड़ करके बाबा भारती की कुटिया के पास आता है। रात में आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, दूर गांव से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन मंदिर से
एक भी स्वर बाहर नहीं आ रहा था, बिल्कुल सन्नाटा था। बाबा भारती जो अहर्निश मंदिर की कुटिया और अस्तबल की रखवाली इस तरह से करते थे कि कहीं खड्ग सिंह सुल्तान को ले न जाए, इतना बेचैन रहते थे। और आज कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। खड्ग सिंह ले जाकर के सुल्तान को अस्तबल में बांध देता है। अस्तबल का फाटक खुला हुआ था और फिर उसकी आंखों में नेकी के आंसू आ गए, पश्चाताप के आंसू, और कहता है बाबा बाबा मुझे क्षमा करना बाबा। और इतना करके आंखों में आंसू भर करके वहां से प्रस्थान कर देता है, चला जाता है। रात्रि का तीसरा पहर व्यतीत हो चुका है, चौथा पहर आने को है। बाबा भारती उठते हैं और जैसी उनकी दिनचर्या थी बाहर निकल करके ठंडे जल से स्नान करते हैं और फिर उनके पांव अचानक अस्तबल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन चलते चलते उन्हें अपने भूल का एहसास होता है और फिर वहीं उनके पांव रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन सुल्तान अपने मालिक के पांव की ध्वनि को, चाप को पहचान लेता है, पश्चाप को, और बहुत जोर से हिनहिनाया। भाव भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अस्तबल की ओर दौड़े और सुल्तान को गले लगा करके कहने लगे, सुल्तान सुल्तान सुल्तान, और इस तरह से गले मिले जैसे बिछड़े हुए पुत्र से पिता कई दिनों के बाद मिल रहा हो। और उसे बार बार चूमते हैं, थपकियां देते हैं, उसको सहलाते हैं, सुल्तान सुल्तान सुल्तान, और फिर बहुत ही संतोष के भाव से बोलते हैं, अब कोई भी कभी भी गरीबों पर विश्वास से मुंह नहीं मोड़ेगा, हमेशा विश्वास रखेगा। इस तरह से बाबा भारती अपने सद्व्यवहार से, अपने श्रेष्ठ विचारों से एक डाकू का हृदय परिवर्तित करके हार करके भी जीत जाते हैं, अपने सुल्तान को खो करके भी पुनः हार करके भी जीत जाते हैं।